नमस्कार दोस्तों, आरसीएन न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19 अगस्त 2019 है और आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। लेकिन इन बड़ी खबरों को जानने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। आप जब भी बेल आइकन को दबाएँ तो ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो आइए आज की पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती मामले को लेकर है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को एक साल पूरे हो चुके हैं और अब तक महज 12.7% पदों का परिणाम ही घोषित हुआ है। 4 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। परीक्षा आउट होने के विवाद में यह भर्ती पूर्णता फंस चुकी है। परीक्षा परिणाम अब SIT जाँच पर निर्भर करता है। जब SIT जांच आएगी तभी परीक्षा परिणाम घोषित हो पाएगा। इसके लिए रविवार को प्रयागराज पहुंचे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जल्द घोषित किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों के लिए परीक्षा पिछले साल 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने रविवार को डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन दिया और मांग की कि SIT रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बाकी विषयों का परिणाम भी जारी कर सके। डिप्टी CM ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि वह इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अभ्यर्थियों को जल्द ही राहत मिलेगी। ज्ञापन देने वालों में अनिल उपाध्याय, विक्की, सतीश, रोहित, अर्पणा, सीमा, प्रतीक, अभय आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा अभी किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि यह भर्ती पेपर आउट मामले में फंसी हुई है और इस पर जांच चल रही है। जांच जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी ही जल्दी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। यह जाँच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि जाँच रिपोर्ट में क्या आता है, जाँच रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है। आज की दूसरी बड़ी खबर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों का युवा मंच के बैनर तले 21वें दिन रविवार को भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसमें युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, पंकज पांडे, उमाशंकर सिंह, हरेंद्र, मुकेश, राकेश, विनय सिंह, रंजन आदि शामिल रहे। आपको बता दें प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी या धरना प्रदर्शन स्थगित नहीं होगा, अनवरत धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज की तीसरी बड़ी खबर SI भर्ती 2019 को लेकर है। SI भर्ती 2019 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। उपनिरीक्षक बनने के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे नौजवानों के लिए खुशखबरी है। भर्ती बोर्ड पुलिस उपनिरीक्षक के 5,000 से अधिक पदों के लिए अगले महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सितंबर के अंत में भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में लिखित परीक्षा कराई जाएगी और अगले वर्ष 2020 में अर्थात फरवरी माह में दौड़ कराने की तैयारी चल रही है। तो आप जितने भी युवा SI बनना चाहते हैं, जिनका सपना है SI बनने का, वे अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। सितंबर के अंत तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आदिवासियों के लिए पहली बार अलग से परीक्षा केंद्र। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि उपनिरीक्षक भर्ती में आदिवासियों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। पिछले भर्ती में आरक्षित पद होने के बाद भी एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला था। प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी सोनभद्र जिले में आते हैं। ऐसे में इस बार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सोनभद्र में अलग से परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, लिखित परीक्षा पास करने वाले आदिवासी अभ्यर्थियों की दौड़ भी सोनभद्र में ही कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे अधिक से अधिक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें।
अब आइए आज की चौथी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर सी टेट के ऑनलाइन आवेदन को लेकर है। सी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बेसिक व जूनियर हाई स्कूल के विद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए सी टेट की आवेदन प्रक्रिया सोमवार यानी आज से शुरू हो रही है। CBSE की ओर से अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। आवेदन 19 अगस्त से शुरू होकर 18 सितंबर तक लिया जाएगा, जबकि ऑनलाइन शुल्क 23 सितंबर दोपहर 3:30 बजे तक जमा किया जा सकेगा। इसकी परीक्षा 8 दिसंबर को देश के 110 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा का आयोजन 20 भाषाओं में किया जाएगा। सी टेट से जुड़ी सारी जानकारी CBSE की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे योग्यता संबंधित हो, चाहे सिलेबस संबंधित हो, चाहे भाषा संबंधित हो। आपको सारी जानकारी आपके CBSE वेबसाइट पर उपलब्ध मिल जाएगी। अब आइए आज की पांचवी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जल्द शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 24 विषयों की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित अन्य जानकारी लेकर उसका सत्यापन भी कर लिया है। निदेशालय 1-2 दिन में काउंसलिंग की सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। आयोग के विज्ञापन संख्या 46 के तहत विभिन्न विषयों के लिए चयनित जिन अभ्यर्थियों ने किन्हीं कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन रिक्त पदों पर भी प्रतीक्षा सूची अतिरिक्त सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल में 22 विषयों की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से सूचनाएं ली थी, जबकि 7 अगस्त को पत्र जारी कर रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और भौतिक विज्ञान की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से जानकारी ली गई। इन अभ्यर्थियों की ओर से दी गई जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 19 अगस्त की शाम तक काउंसलिंग के संबंध में सूचना जारी कर दी जाएगी। तो आप सभी जितने अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े हुए हैं, जो प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं, वे सभी अपने डॉक्यूमेंट सही कर लें, आपकी काउंसलिंग जल्द होगी। इसके संबंध में सूचना जो निदेशक हैं डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया है कि 19 अगस्त तक अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। अब आइए आज की छठवीं बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की छठवीं बड़ी खबर UPPCS 2017 के मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर है। UPPCS 2017 के मुख्य परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा, अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर 22 से 28 अगस्त 2019 के बीच UPPCS 2017 के मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 22 से 28 अगस्त 2019 के बीच UPPCS 2017 के मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो आप सभी 22 से 28 अगस्त का इंतजार करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।